जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पूर्व जन्म योनि विचार, पूर्व जन्म में वो क्या था और किस कारणवश इस जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त की है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चार या इससे अधिक ग्रह ऊंच राशि के अथवा स्व राशि के हो तो जीवन में उत्तम योनि भोगकर यहां जन्म लिया है ऐसा समझना चाहिए। दूसरा, लग्न में ऊंच राशि का या स्व राशि का चंद्रमा, स्व राशि का चंद्रमा या उच्च राशि का चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो बालक पूर्व जन्म में सद्विवेकी वणिक था यो मानकर चलना चाहिए। तीसरा, लग्नस्थ गुरु इस बात का सूचक है कि बालक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था। यदि जन्म कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो या लग्न में कर्क राशि का गुरु ऊंच का बैठा है या भाग्य स्थान में ऊंच राशि का गुरु बैठा है और लग्न को देख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 लग्न को देख रहा है तो बालक पूर्व जन्म में धर्मात्मा सद्गुणी एवं विवेकशील साधु अथवा तपस्वी था ऐसा ऋषियों का कथन है। भारतीय ऋषियों ने अपने साधना लगन परिश्रम एवं दिव्य ज्ञान से ग्रहों की गति का अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले वह वस्तुतः प्रमाणिक होने के साथ साथ इस बात के सूचक भी है कि इन सिद्धांतों नियमों एवं तथ्यों के पीछे आर्य ऋषियों की सैकड़ों हजारों वर्ष की तपस्या एवं अनुभूति है। मानव जीवन के छोटे छोटे तथ्य पर भी इन ऋषियों ने विचार तथा अनुभव प्राप्त किए। हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण आदि का विवेचन करने के साथ साथ उन्होंने ग्रहों की गति एवं स्थिति के आधार पर आवागमन भी प्रकाश डाला है। बालक जिस समय जन्म लेता है उस समय का शोधन कर अक्षांश देशांतर संस्कार करने के पश्चात बालक की जन्म कुंडली बनाई जाती है। उस समय के ग्रहों की स्थिति के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात किया जाता है कि बालक किस योनि से आया है और मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होगी। यदि जन्म कुंडली में छठे भाव में सूर्य तुला राशि का, आठवें भाव में सूर्य तुला राशि का, बारहवें भाव में सूर्य तुला राशि का होकर बैठा हो तो बालक पूर्व जन्म में पापरत एवं भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला था यूं जानना चाहिए। लग्न के अंदर अगर शुक्र बैठा हो या सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा या प्रसिद्ध सेठ था तथा पूर्णतः भोगी जीवन बिताने वाला था यूं समझना चाहिए। आगे, शनि अगर लग्न में बैठा हो या शनि चौथे भाव में बैठा हो या शनि सप्तम भाव में बैठा हो या शनि एकादश भाव में बैठा हो तो इस बात का सूचक है कि बालक पूर्व जन्म में शूद्र परिवार से संबंधित था एवं पाप पूर्ण कार्य में रत था। यदि लग्न में राहु बैठा हो या सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो बालक की पूर्व मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं समझनी चाहिए, यह अकाल मृत्यु का कारण बना है। अगला सूत्र,
चार या इससे अधिक ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि के हो तो बालक ने पूर्व जन्म में निश्चय ही आत्महत्या की थी, ऐसा ऋषियों का कथन है। लग्न स्थान में बुध बैठा हो, लग्न स्थान में बुध बैठा हो तो यह स्पष्ट करता है कि जातक पूर्व जन्म में वाणी पुत्र था, ये विविध क्लेशों से ग्रस्त रहता था। सप्तम भाव, षष्टम भाव, दसम भाव में मंगल उपस्थित हो, सप्तम भाव में मंगल, षष्टम भाव में मंगल या दसम भाव में मंगल, यह स्पष्ट करता है कि जातक के पूर्व जन्म में अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था तथा कई व्यक्ति उससे पीड़ित रहते थे। बृहस्पति देवगुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा गुरु पंचम भाव में या नवम भाव में हो तो जातक पूर्व जन्म में वितरागी था, यो समझना चाहिए। एकादश भाव में सूर्य, पंचम भाव में गुरु और द्वादश भाव में शुक्र बैठे हो, इस बात के द्योतक है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, लोगों की सहायता करने वाला तथा दान पुण्य में तत्पर ईश्वर राधक तथा, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का कथन है। आपको मैंने कुछ पूर्व जन्म की जानकारी दी और आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा मृत्यु उपरांत गति विचार, उसकी गति क्या होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना, उस और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना जिसने कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। जय मां भारती, जय गणेश।